31 मार्च को मेल आ जाती है कि आपका लास्ट राउंड है इंटरव्यू के लिए। तो था हमारा ग्रुप इंटरव्यू था, एक्चुअली 1-on-1 वैसे नहीं था, तो 10 to 12 मेंबर्स थे आई थिंक हम लोग। अच्छा, तो ये मतलब पैनल में, लाइक पैनल मतलब 10-12 बंदे थे कैंडिडेट्स, वो एक इंटरव्यूअर था और बाकी कैंडिडेट्स थे, वो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं यस एक एक यस, करके। 10 to 12 days मतलब 2 weeks के अंदर आपका सब कुछ फाइनल हो गया था कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसे बंदे से मिलाने वाले हैं जिनका नाम शिवांशी है, अमेजोन में अभी रिसेंटली प्लेस हुए हैं और प्रोसेस काफी चेंज हो चुका है वीसीएस का। इमीडिएट आपको पता चल रहा है कि आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए हो, जैसे आप इंटरव्यू में पैनल रहता है बेसिकली, उसमें जाते हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एकदम डिटेल में बात की हैं। तो भाई वीडियो जरूर देखना, एक एक चीज़ें हैं कि भाई कैसे प्रिपेयर किया, कैसे हुआ, सारी चीज़ें 10-20 दिन में उनका सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है, आप वीडियो देखो, काफ़ी अच्छा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। एंड रिसेंटली हम लोग काफ़ी वीडियोज ऐसे लेकर आए, तो लाइक करें, कॉमेंट जरूर करना वीडियो को, थैंक यू शिवांशी जरूर बोलना, बिकॉज जब कोई आता है हमारे चैनल पर चीज़ें शेयर करता है तो डेफिनेटली उसको थैंक करना चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे और लोगों को ले गए और खुश खुशी खुशी वो लोग आके सारी चीज़ें शेयर करें। तो यही सारी चीज़ें, आगे आप इंटरव्यू वीडियो देखो, एंड अगर आपको भी इंटरेस्ट है पॉडकास्ट वगैरह हमारे साथ बनाने में, आपके पास वो एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, जाके फॉर्म भर लो, मैं सामने से आपसे रीच आउट हो जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं और लाइक कॉमेंट कर देना वीडियो को, चलो देखते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद शिवांशी, एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अमेजोन का जो अभी हायरिंग, अभी ले ऑफ्स हो रहे थे, बहुत चीजें हो रही थी, तो अपन कोशिश कर रहे हैं लोग जो अभी प्लेस हो रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा हो सकता है प्रोसेस चेंज हुआ हो, हायरिंग फिर से चालू हो चुकी है, तो उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। एंड शिवांशी, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज अपने आपको। हाय गाइस, माय नेम इज शिवांशी वशिष्ठ और मैंने बीसीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन अपनी 2018 में, एंड एमबीए मैंने 2021 में फिनिश किया था। तब से मैं अब तक थोड़ा बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रही थी, तो इन बिटवीन अब काफी टाइम हो गया था तो मेरे को थोड़ा जॉब के लिए देखना था, तो दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर दिस। ओके ओके, तो अभी किस कहाँ प्लेस हुई हैं, क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं क्या? यस यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था अमेजोन का आपकी वीडियो देखने के बाद, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए। तो फिर मैंने अप्लाई किया था 21 मार्च को, उसके बाद से प्रोसेस सारा हुआ है हमारा, तो दैट्स इट। एंड आई एम स्पेसिफिकली सिलेक्टेड फॉर शिपिंग एंड डिलीवरी सपोर्ट फॉर द ओके चैट ओके प्रोसेस। ओके यस सर, ओके ओके, तो ये रोल बेसिकली अभी इसमें थोड़ा ब्रीफ है कि आपको क्या करना होता है इसमें, लाइक किस टाइप का रोल एक्चुअली है? ज्वाइनिंग 17th को है, दैट इज हाँ टुमारो फॉर, सो हाँ, सो इसलिए अभी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा हमारा प्री हायर ओरिएंटेशन वगैरह हुआ है, तो दैट्स चैट प्रोसेस है, हमको रिप्लाई करना है बेसिकली जो डिलीवरी के लिए जाता है सामान या आता है उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ओके ओके ओके, मतलब चैट प्रोसेस, और ये यस घर सर, से ही काम करने वाला सिस्टम होगा ना, लेट इज वर्क फ्रॉम होम। यस 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 यस, फुली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है ये जॉब सर। ओके ओके ओके, तो ये काफी सही है। यस सर, तो अभी अपन अगर बात करें, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सेक्शन में लोगों को आती है कि भैया हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमें प्रोसेस देखिए, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं, तभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो जो सेलेक्ट हुआ है वो ज्यादा बेटर बता सकता है। तो भाई कैसे, लाइक व्हाट वाज द स्टेप्स, कि कब आपने फॉर्म फिल आउट किया, कैसे फिल आउट किया, उसके बाद कितना दिन लगा रिजल्ट वगैरह आने में, प्रोसेस कैसा दिखता है बेसिकली? ओके, तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। एक्चुअली मैंने 19th of मार्च को मैंने अप्लाई किया था, तो फिर एक्चुअली अप्लाई करने के बाद ही एकदम से उनका मेल आ जाता है रिवर्ट बैक कि आपका क्या है ना, टेस्ट होना है उसका, और 48 आवर्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है, 48 to 70, यस 48 आवर्स के अंदर। तो मैंने वो 20th मार्च को, तो एक्चुअली मैंने एक बार पहले भी दिया हुआ है, तो तब मैं प्रिपरेशन फेज भी थी, तो मैंने बेसिकली कैजुअली दे दिया था, तो एज सच मैंने सिर्फ देखा था कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इस बार मैंने कहा कि नहीं करना है मेरे को, बिकॉज बहुत टाइम हो गया प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ना मॉक्स देखे इसके बारे में। उसके बाद मैंने एक दिन पूरा लिया, मॉक देखा और सारा कुछ देखा, देखने के बाद फिर मैंने लास्ट डे मैंने इसका अपना वो दिया, सारा वर्सन टेस्ट दिया एक्चुअली, और वो मेरा फाइनल होते 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 पूरा कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद फिर बस इतना ही था अभी तो इसमें। उसके बाद फिर 21st को अप्लाई करने के बाद 31st मार्च को मेरे को मेल आती है लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू करके। ओके सो देन आई, बिकॉज उसमें कुछ नहीं दिया होता कि आप लोग का प्रोसेस में है या नहीं है, बस वो अगर हम अपनी जो अमेजोन पे हमने अपनी आईडी बनाई होती है वहां पे अगर हम चेक करें तो इन प्रोसेस लिखा होता है,
तो हमें ये नहीं होता कि रिजेक्ट हो गया कि एक्सेप्ट हो गया। देन 31 मार्च को हमको मेल आया मेरे को कि ऐसे ऐसे आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, लास्ट इंटरव्यू राउंड है आपका। 31 मार्च को मेल आ जाती है कि आपका लास्ट राउंड है इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी कि इंटरव्यू है, थोड़ा सा प्रिपेयर मैंने किया थोड़ा बहुत कि क्या होगा, क्या पूछेंगे किसी के लिए, कि कुछ था क्योंकि टेक्निकल राउंड होता है कि टेक्निकल जॉब के लिए कुछ और पूछते हैं, वैसे नॉर्मल के लिए कुछ और पूछते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया था उसके बारे में। उसके बाद जब शाम के टाइम इंटरव्यू था, हमारा ग्रुप इंटरव्यू था एक्चुअली, वन ऑन वन वैसे नहीं था। तो 10 to 12 मेंबर्स थे आई थिंक हम लोग, और सबसे फिर वन ऑन वन बस बेसिकली बेसिक सा इंट्रो लिया उन्होंने हमसे कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो। और उन्होंने पूछा कि मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए आप मतलब रेडी हैं, और आपकी मतलब नाइट शिफ्ट वगैरह रहेगी, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं, बस यही पूछा था। उसके बाद अगर किसी को कंफर्म वो कर रहे थे तो वो तभी एट अ टाइम ही कॉल करके बता रहे थे ऑन द इंटरव्यूज, ऑन द वीडियो। तो मेरे को कॉल आ गया था कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस, एंड फिर बस वो फाइनल हो गया। तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ये मतलब पैनल में, लाइक पैनल मतलब 10-12 बंदे थे कैंडिडेट्स, वो एक इंटरव्यूअर था और बाकी कैंडिडेट्स थे वो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं यस के यस करके। ओके 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 यस यस ओके यस मतलब दूसरे कैंडिडेट हमारी बातें सुन रहे थे तो वो ऐसे चल रहा था। ओके ओके ऐसे चल रहा था। एंड ये जैसे आपने यस 21 को ये भरा था फॉर्म, उसके बाद कितने दिन बेसिकली, अगर रफ टू रफ आइडिया अगर अपन लें तो कितना दिन लग गया ये प्रोसेस होने में, ज्वाइनिंग ऑफर लेटर वगैरह आने में? ऑफर आई थिंक 10 to 12 days, मतलब 2 weeks के अंदर आपका सब कुछ फाइनल हो गया था कि हाँ यू हैव बीन सेलेक्टेड, और लेटर ऑफ इंटेंट भी मेरे को 4 अप्रैल के आसपास आ गया था। ओके ओके एंड ये वाला मेल कब आया था कि आपका इंटरव्यू, लाइक आपने फर्स्ट वो कंप्लीट कर लिया है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद जो अगला कम्युनिकेशन था वो कब मिला आपको, कितने दिन लग गए उसमें? उसमें 9 to 10 days लगे, 31 मार्च को मेरे को आया था ओके दैट ओके ओके यू हैव द लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, दैट वो चीज आई थी। उसके बाद फिर बस इंटरव्यू हुआ था नेक्स्ट डे, और उसके बाद सिलेक्शन एट द इंटरव्यू के टाइम ही बता देते हैं यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट। ओके 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 अच्छा, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसलिए इतने डिटेल में पूछ रहा हूँ ना, बिकॉज मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम यही है कि टेस्ट तो भर दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद हाँ ना जी उन्हें पता नहीं चल पा रहा है भैया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा, ये सारा अनश्योरिटी है। तो वो डिपेंड करता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है कई लोगों यस के साथ, यस यस मैंने आई थिंक आपने भी देखा होगा, कई लोगों की वीडियोज वगैरह देखे होगी जिनके 2 दिन में भी रिस्पॉन्स आए, 3 दिन में आए, हफ्ते भर में भी आए, महीने भर पे आए, तो वो प्रोसेस है। एंड बेसिकली प्रिपरेशन की अगर बात करें, जो मेजर होता है राउंड, दैट इज अ टेस्ट का राउंड, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और कैसे प्रिपेयर किया था आपने? एक्चुअली मैंने एक बार मैंने बताया, मैंने पहले भी दिया था ये लास्ट ईयर, तो मैं सच कोई सीरियस ना था नहीं थी, तो आपकी वीडियो देखी थी तभी भी, तो तभी वहीं से अप्लाई कर दिया था लिंक से। तभी भी मेरे को एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आ गया था कि टेस्ट दे दीजिए ये वो। तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तब भी मेरे को लगा मतलब नहीं हो पाया था एंड तक, काफी आगे गए मेरे लास्ट राउंड नहीं हो पाया था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा सच ध्यान नहीं दिया। फिर इस बार जब मैंने दिया तो मेरे को था कि नहीं लेना है, जॉब तो लेना है एक्चुअली। तो फिर मैंने एक दो मॉक्स वीडियोस देखी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके यहाँ पे भी है और बाकी चैनल्स पे भी है, नॉर्मल बहुत सारी मिल जाएंगी वो। तो वो देखा। उसके बाद ये मैंने एक चीज देखी कि इसमें ना कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब आपको हियरिंग में आप कितने अच्छे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप कितने अच्छे से उनकी बात को रिवर्ट बैक कर पा रहे हैं। एक इसमें प्रोसेस होता है, इसमें टेस्ट में एक फेज होता है जिसमें आपको मेल लिखनी होती है एक्चुअली, जो वो आपको बोलते हैं उसी को रिवर्ट करना होता है। तो मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी है वो कर ले जाएगा इसको बहुत अच्छे से। और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो मैं तो ये कहूंगी कि एकदम से टेस्ट ना दें, थोड़ा सा रिसर्च कर लें यूट्यूब पे और नॉर्मली गूगल पे, और फिर आप इसको टेस्ट दें तो हो जाएगा। एज सच को इतना टफ नहीं है, हम मेरा सेकेंड टाइम में हुआ है जस्ट बिकॉज कि मैंने कभी इसको ऐसे लिया नहीं था, लेकिन हो जाएगा। अच्छा अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा चांस है ये, मतलब इतनी अच्छी कंपनी में घुसने के लिए। हाँ, बिकॉज ये चीज आपने सही मेंशन की कि थोड़ा सा पहले, बिकॉज टेस्ट का रिस्पॉन्स जो पहला राउंड स्टेप होता है टेस्ट का, वो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, वो ऑटोमेटेड मेल्स होते हैं, 10-15-20 मिनट में, एक दिन में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो आपको पता है कि टेस्ट का मेरे को तो मेल आ जाएगा, बट
आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी चीजें, बिकॉज इंटरनेट पे सच में सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अपन एक वीडियो बना रहे हैं शिवांशी के साथ, वैसे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रिपरेशन के मटेरियल्स बनाए हुए हैं, हर एक चीज है। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप उठा के वहां से देख सकते हो सारी चीजें, डेफिनेटली वो आपको फायदेमंद। तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे चीजें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस बेसिकली, और एक बार में चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक नहीं दो बार में होंगी, तीन बार में होंगी। कई लोगों को मैंने देखा, एक बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई थी ना, 60 टाइम्स ही हैज गिवन, मतलब 60 टेस्ट दिए थे बंदे ने, 60 वाह, टेस्ट डिफरेंट 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 डिफरेंट, बिकॉज उस समय क्या सीन चल रहा था ना, अभी लेऑफ्स का सीन चल रहा था, तो बहुत यस कम सर, हायरिंग्स हो रही थी, तो उस पे लाइक बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उस समय आपको एक टेस्ट का रिजल्ट आने में, जैसे आपने बताया तुरंत आ गया, कुछ ऐसा भी प्रोसेस होता है कि हाँ लोगों को एक दो दिन बाद सेम रोल के लिए, वीसीएस का प्रोसेस है ना बेसिकली आपका, एक दो दिन यस बाद आया यस हो? नहीं सर, उसी टाइम पे जिसको भी वो एक्चुअली वो जिसको अप्रूव कर रहे थे, जिनकी बातों से कम्युनिकेशन को सही लग रहा था, वो एट अ टाइम कह रहे थे कि प्लीज पिक आर कॉल, तो वो कॉल कर रहे थे. और आई थिंक शायद एक या दो बंदों को नहीं कॉल किया था, तो आई थिंक दे वर नॉट सेलेक्टेड दैट ओके टाइम. ओके ओके ओके, यस हाँ हो सकता है सर, ये थोड़ा चेंज हुआ है प्रोसेस, बिकॉज पहले आई तो डोंट थिंक तो ऐसे होता था। अभी शायद वो लोगों ने नया, वही है कि नया प्रोसेस हो रहा है, इमीडिएट आपको पता यस चल रहा सर, है कि हाँ भैया आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए, वो सारी चीजें, वो प्रोसेस, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोगों के फीडबैक्स भी रहते हैं कि भैया मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मैं सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए बेटर है। एंड लास्ट में आई थिंक सो हम लोगों ने सब कुछ कवर आउट कर दिया है। आप अपने तरफ से कुछ शेयर करना चाहते हो टिप्स कोई लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, टेस्ट इस रोल के लिए जा रहे हैं बेसिकली, वो आप बता सकते हो डेफिनेटली। हाँ मैं तो बस लास्ट ये कहूंगी कि अगर आपको मतलब बिल्कुल नहीं आता है कि बेसिकली कैसे बोलना है, इंग्लिश को कैसे मतलब फ्लुएंटली थोड़ा उनका रिप्लाई करना, और थोड़ा सा रिसर्च कर ले, मतलब अप्लाई करने से भी पहले थोड़ा सा रिसर्च कर ले और थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. लोग थोड़ा करते हैं कि हमें कम्युनिकेशन आ रहे हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो कम्युनिकेशन तो अच्छा ही होगा, एक्चुअली जब टेस्ट होता है तब पता चलता है. तो थोड़ा सा कर ले, रिसर्च कर ले, अपने फ्रेंड से हेल्प ले लें, और जो टेस्ट है वो बिल्कुल शांति में दे, बिल्कुल फोकस्ड होके, बिकॉज अगर आपका थोड़ा भी ध्यान हटता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसके लिए. आपने वैसे टेस्ट कब दिया था अगर? मैंने दोपहर के टाइम दिया था, लंच टाइम पे, बिल्कुल 1 to 2 hour मैंने अपना रूम वगैरह सब बंद करके ऊपर के वाले फ्लोर हाँ पूरा ही बंद कर दिया था कि मेरे को अभी टेस्ट देना है, तो उसके बाद. बिकॉज इनके लाइक ऑटोमेटेड वो AI होता है बेसिकली, तो खुद कुछ भी नॉइज होती है यस ना तो वो यस रिकॉर्ड कर लेता है, तो आपके लिए नेगेटिव एकदम पॉइंट है। डिटेक्ट, हाँ यस यस तो वही मैंने, यही चीज मैंने लाइक सारे लोगों से पूछी है, एक ही चीज क्लियर आउट हुई है कि भैया शांत माहौल में ऐसे टाइम पे दो ना, या तो आपका रूम अलग हो, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ दोपहर में मैंने रूम वगैरह बंद कर लिया था, ऐसे ही टेस्ट दो, ठीक है, ताकि एक यस एक यस 1.5 घंटे के लिए ना एकदम किनारे हो जाओ, जैसे एक कोने में बैठ गया और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा है, जैसे पीछे से कोई आ जा नहीं रहा है, एकदम नॉर्मल है चीजें, कोई अलग से आवाज नहीं आ रहा, बिकॉज वो सब रिकॉर्ड कर लेता है, जो भी आपका इनपुट होगा ना, यस जो आप सर, इनपुट दोगे माइक में, कोई आवाज आई तो वो भी इनपुट के साथ रिकॉर्ड कर लेगा, तो वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें क्यों हम लोग करेंगे, यस वो सारी चीज ध्यान रखना। तो आई थिंक सो हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। थैंक यू सो मच शिवांशी फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग थैंक एवरीथिंग यू. डेफिनेटली, एंड बेस्ट ऑफ लक, आल आपकी ज्वाइनिंग है डेफिनेटली, आगे जब आप सेलेक्ट मतलब आगे काम करने लगोगे तभी भी अगर कुछ शेयर करने के लिए रहा या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, डेफिनेटली हम लोग इन्वाइट करेंगे आपको, एंड प्लीज कम एंड शेयर फॉर श्योर, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस.